नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। फतेहपुर से जिला रिपोर्टर अनिल कुमार के सरवानी की कवरेज। फतेहपुर जिले के कागा तहसील क्षेत्र में टेसाही बुजुर्ग गांव की सड़क नहीं नर्क बनी है। मजबूर हो रागीर और स्कूल जाने वाले छात्रों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी और बरसात का तो कुछ मत पूछिए। हर महीने यहाँ जल भराव मिलेगा और कई बार तो लोग गिर जाते हैं और फिर चाहे जितनी जरूरी और जल्दी में हो फिर उसे वापस घर लौटने पर मजबूर होना पड़ता है। अब बता दें कि सरकार चाहे जितनी तारीफ करे कि हम सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करा दिए हैं, अभी आप जब कोई लिंक रोड पर जाएंगे तो पूरा वादा और सरकार के विकास नजर आने लगते हैं। नेताओं को तो केवल चुनाव के समय गांव की सड़क और खड़िंजा पर चलते हैं और तभी वादा करते हैं कि सबसे पहले ये काम होगा और जीत जाते हैं तो सब एक सपना सा बनकर रह जाता है। इस गाँव की सड़क को देखते हुए ऐसा लगता है कि नेताओं के बड़े बड़े बोल केवल चुनाव मुद्दा ही बनकर रह जाते हैं और कुछ नहीं। आइए सुने क्या कहा गाँव वालों ने। ये देख लो, यहाँ से देखो, ये यहाँ से पूरा सब कब्जे में है। कह दो एक दिन तोड़ दे तो तोड़ नहीं सकते। ये लगानी जमीन है, कहे छोड़ दी अपन। हमारे साल तुम्हें कहा तो वो हुआ जोड़े नहीं दे। गाँव है भाई टेसाही बुजुर्ग देख रहे हैं कि ये रास्ता बड़ी ख़राब है जी। क्या ये हमेशा ऐसे रहते हैं? हमेशा ऐसे रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जल भराव वो है, जल निकासी की समस्या है, इसीलिए। तो ये बताइए, इसकी जो है आपने प्रधान और जो विधायक है इन लोगों से शिकायत नहीं किया? इसकी शिकायत मैंने उसमें तहसील दिवस में दिया है जी जी। उसका शुद्धिकरण हुआ, उसके बाद फिर दोबारा जल भरा हो गया। तो इसमें नाली वाली बनी थी? नाली बनी थी, नाली टूट गई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब इसका यही चाहते हैं कि नया निर्माण हो जाए, जल भरा ना रहे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं विद्यालय के, इसमें गिर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। रास्ता देख रहे हैं, जल भराव देख रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, मैन प्रधान जो है उधर से खरिंजा नहीं बना और नाली बनाया, इधर ये मोड़ की है, इसलिए जो है ये नहीं सक्सेस जाए, टूट जाती है जी जी। और गांव वाले सब तोड़ डाले इसको, मोहल्ले वाले जितने हैं जी। तो कहाँ जाएगा पानी? भरा तो रहेगा, ये कोई खेत में थोड़ा अपने जाएगा। तो ये बताइए, यहाँ तो आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है। बहुत सारी दिक्कत है, इतनी ज़्यादा दिक्कत कि मैं डेली उठवाता हूँ गाड़ी, बताओ लेडीज गिर जाए, पढ़े वाले लड़का गिर जाए जी। और डबल गाड़ी आती हो, क्रॉस नहीं हो पाती, फिर पछा लो कहाँ ले जाओ, किसी के मकान दो करा देंगे। तो आप लोग चाहें जैसा वो बना ले, ये भी हो सकता है कि वो खरीदे से सीधा नाली उसमें अटैच कर, चाहे जौन प्रधान हो गए तो ये सक्सेस है नहीं, बाकी ये मोड़ की नाली सक्सेस नहीं होगी भाई। ये घर गिर नहीं सकता, जमीन को काट नहीं सकता, अपना लगानी दे नहीं सकता।